नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जी हां, आप सभी को पता होगा कि टीम इंडिया बहुत ही अच्छी शुरुआत कर चुकी है अपनी सेकंड पारी में, और इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है किसी को, तो वो रोहित और राहुल की जोड़ी को। दोस्तों हमने देखा है कि टीम इंडिया में एक ही ऐसी पार्टनरशिप है टेस्ट मैच में जो कि अभी तक रही है, जो कि पूरी तरह से फिक्स है, और वो पार्टनरशिप है रोहित और राहुल की। जी हां, आपको बता दें ये दोनों खिलाड़ी जब तक टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग कर रहे हैं तब तक टीम इंडिया को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, अगर टीम इंडिया का पहला विकेट गिर जाता है उसके बाद तो मानो विकेटों की झड़ी ही लग जाती है, और इसी वजह से टीम इंडिया के तमाम प्लेयरों की और कप्तान विराट कोहली की, यहां तक कि टीम इंडिया के तमाम सिलेक्टर्स की भी नजरें पहली जोड़ी पर टिकी रहती है कि कैसे भी करके रोहित शर्मा और केएल राहुल कम से कम शतकीय साझेदारी तो कर ही दें। और ऐसा ही एक बार फिर से दोस्तों फोर्थ टेस्ट मैच की सेकेंड इनिंग में टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें अभी तक रोहित शर्मा और केएल राहुल खेल रहे हैं, जहां हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम ने पूरे 111 रनों की भारतीय टीम से बढ़त बना ली थी, तो वहीं दोस्तों एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि टीम इंडिया ने केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने अब इंग्लैंड को सिर्फ और सिर्फ 56 रनों के आगे रखा है, यानी कि 56 रनों से अभी भी इंग्लैंड टीम इंडिया से बढ़त बना चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि टीम इंडिया ने 43 रन बना दिया है और अभी तक भारतीय टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा है, जिससे टीम इंडिया एक एक कदम फूक फूक करके रख रही है। और आपको जानकर काफी खुशी होगी कि केएल राहुल 41 गेंदें खेलकर और 22 रन बना चुके हैं, और इस 22 रन में चार तो इन्होंने चौके भी ठोक दिए हैं। तो केएल राहुल एक बार फिर से शानदार लय में नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि केएल राहुल आज अपना एक बार फिर से शतक बनाएंगे, और दोस्तों ये केएल राहुल के करियर में चार चांद लगाने वाला होगा। इसी वजह से आज रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि केएल राहुल और रोहित शर्मा आज ना सिर्फ एक दमदार शतकीय पारी खेलें बल्कि टीम इंडिया को उस बुलंदी पर पहुंचाएं जहां से इंग्लिश टीम इंडिया को हरा ना सके। दोस्तों फोर्थ टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए जीतना बहुत जरूरी है। टीम इंडिया फोर्थ टेस्ट मैच जीत जाती है तो इसके बाद टीम इंडिया को फिफ्थ टेस्ट मैच जीतना होगा, तब जाकर टीम इंडिया सीरीज जीत पाएगी। और अगर टीम इंडिया यहां से एक एक मैच जीतती है और एक मैच इंग्लैंड, तो सीरीज बराबरी पर रहेगी, और अगर इंग्लैंड दोनों मैच जीत जाती है तो इंग्लैंड सीरीज को जीत जाएगी। इस वजह से टीम इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान केएल राहुल का ही होने वाला है। अगर दोस्तों केएल राहुल के बल्ले से रन निकलता है तो यकीन मानिए टीम इंडिया इस मैच में ना सिर्फ जीत हासिल करेगी बल्कि बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है आज टीम इंडिया। और टीम इंडिया के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज अगर टीम इंडिया पूरा दिन खेलती है तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड के जो दोस्तों बैट्समैन होंगे उनको ज्यादा कुछ करने को मिलेगा नहीं सेकंड पारी में, और टीम इंडिया बड़ी आसानी से अंग्रेजों पर दबाव बनाकर और इस मैच को जीत सकती है। तो दारोमदार आज सारा का सारा केएल राहुल और रोहित शर्मा पर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि केएल राहुल आज अपने करियर की सबसे बेस्ट पारी खेलेंगे और रोहित शर्मा के साथ मिलकर सबसे बेस्ट साझेदारी करके टीम इंडिया को इस मैच में जीता कर देंगे। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।